पूछना चाहेंगे सर, ये बच्चे जो है सैनिक स्कूल में कंप्लीट किए हैं, तो इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, कैसे ये यहाँ पे जाएंगे, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, इसमें आप बता सकते हैं सर? जी, जैसा कि आपको बता दूं कि आपने 3D मिलिट्री स्कूल से 36 बच्चा एग्ज़ाम में बैठे थे, 36 में से 35 का रिजल्ट हो चुका है। अब इनका प्रोसेस ये है कि इसका मेडिकल लिस्ट तैयार होगा और मेडिकल लिस्ट में रैंकिंग के हिसाब से उठाएगा, जैसे कि जितना सीट है उसके बनिस्पत गुना 3, जैसे अगर 10 सीट है तो 10 या 30 बच्चे को सिलेक्शन लेगा मेडिकल के लिए 3 गुना। उसके बाद फिर उसका मेडिकल चेक होगा, मेडिकल के बाद फिर दोबारा मेरिट लिस्ट बनेगा, उस मेरिट में जितना सीट है बस उतना ही बच्चा का सिलेक्शन होगा। तो उसमें फिर मायने रखता है किसको कितना मार्क है, जिसको जितना मार्क अधिक होगा उसके बच्चे उसको पहले लेगा। उसके बाद वेटिंग लिस्ट तैयार होगा, फिर सेकंड लिस्ट तैयार होगा, थर्ड लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद जो लास्ट बच्चा है उनको एक ऑफर और दिया जाता है कि आपके बच्चों का अच्छा मार्क है, आप चाहे तो अभी जो न्यू सैनिक स्कूल रेज हुआ है उसके लिए भी इनको ऑफर दिया जाएगा। तो महत्व इसमें यह रखता है कि कौन बच्चा कितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाया है। तो 3D मिलिट्री अकेडमी के सारे बच्चे ने अच्छा मार्क लाया है, उम्मीद है सारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा।